यदि आप एक भी सिंबल बनाना नहीं जानते हैं रेकी हीलिंग का, कोई भी विधा को आपने पढ़ा या सीखा नहीं है, फिर भी आप एक हीलर हैं। आप जन्मजात एक हीलर हैं। आप शायद पुराने जन्म की कोई आत्मा है जो पिछले समय बहुत सारी साधनाएं कर रखी है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें देखकर आपको समझ में आएगा, जिन्हें सुनकर आज समझ में आएगा कि आपके अंदर वो प्रतिभा जन्मजात है। आप अपने आप ही एक हीलर हैं। आपके पास आते ही लोगों को शांति मिलती है। आप लोगों को वैसे भी शांत कर पा रहे हैं, लोगों को आराम मिल रहा है आपके आसपास। आपकी बातें, चाहे भले ही आप कितना ही संघर्ष कर रहे हो अपने स्वयं के जीवन में, लेकिन आप किसी और को शांत कर देते हैं, किसी और को सुकून दे देते हैं। तो ऐसे कौन से संकेत हैं जिन्हें अभी आप अपने जीवन में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक हीलर हैं, या किसी और को देख करके आप समझ जाए कि वो एक अच्छा हीलर है। तो आइए मैं कुछ संकेतों को आपको बताता हूं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप आगे जाकर एक महान हीलर बनना चाहते हैं। नमस्ते अजी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आज के समय में हमारे पास बहुत सारी विधाएं हैं जिन्हें सीखकर, जिन्हें जानकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखद कर सकते हैं। रेकी हीलिंग, लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग, एंजल हीलिंग, करुणा रेकी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, ये सभी शानदार विधाएं हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं और अब बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन बहुत सारी प्राचीन आत्माएं हैं जो अभी खुद को नहीं पहचानती, जो नहीं जानती कि वो सच में पहले से ही एक हीलर के लिए जन्मे हैं, एक हीलर बनने के लिए जन्मे हैं। तो कुछ संकेत हैं जिन्हें आप अभी समझेंगे। संकेत नंबर एक, आप संभाव में रहते हैं। आप बेशक अपने अंदर बहुत सारे कौतूहल में हैं, आप उलझे हुए हैं, बिल्कुल भी सुलझे हुए इंसान नहीं, बहुत उलझे हुए हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन जब कोई और इंसान आपसे सहायता मांगता है, जब कोई और इंसान आपसे ये पूछता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, ये कैसे होगा, तो आप बहुत आसानी से उन्हें सही रास्ता बता देते हैं। एक ऊर्जा का गुच्छा आपके अंदर उलझा हुआ है, लेकिन किसी और के धागे को आप ऐसे सुलझा देते हैं। हमेशा एक संभाव होता है आपके भीतर, आप सब कुछ को बराबर देख पा रहे होते हैं, यहाँ तक कि आप भूत, वर्तमान और भविष्य को भी पैरेलल देख पा रहे होते हैं, एक साथ देख पा रहे होते हैं, आप महसूस कर पा रहे होते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और दूसरों को सही मार्ग दिखा पा रहे होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि वो विद्या, वो कला, वो जादू आपके स्वयं के किसी काम नहीं आ रही है। आपने किसी को ये बताया कि तू ये कर ले, वो उसको फल गया, लेकिन आपको नहीं फल रहा। आपके बताए हुए रास्ते से उनके रिश्ते सुधर गए, लेकिन आपके रिश्ते उलझे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप जान लीजिए कि आप जन्मजात एक हीलर हैं। और ये उलझन भी क्यों है, ये तकलीफें भी क्यों हैं, इसे मैं आखिरी में आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। वो कहते हैं ना, जादू की किताब में नियम और शर्तें आखिर में लिखी होती है। संकेत नंबर दो, आप बेहद शांत दिखते हैं लोगों को, बहुत ही सुलझे हुए लगते हैं लोगों को, लेकिन हमेशा क्रोध में रहते हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हैं, चिड़चिड़ाए हुए होते हैं। आपको एकांत चाहिए होता है ताकि किसी को आपका वो चिड़चिड़ाहट ना दिख पाए, किसी को आपका वो गुस्सा ना दिख पाए। आपके अंदर जो ऊर्जा तैयार हो रही है, उस ऊर्जा को आप कहीं किसी पर रिलीज ना कर दें। आपको शांत बने रहने के लिए एकांत चाहिए होता है ताकि आप दूसरों पर अपनी वो ऊर्जा को प्रक्षेपित ना कर पाए, मतलब वो ऊर्जा उन पर ना बरस जाए, क्योंकि और कोई तरीका आपको अभी नहीं आता, आपने कोई विद्या सीखी नहीं है अपनी ऊर्जा को निकालने की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन या गुस्से के रूप में निकल जाती है। तीसरा, ये बहुत रेयर है, सबको ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको रोना नहीं आता, आप रो नहीं पाते, आपके अंदर से आंसू नहीं निकल पाते। एक पक्का जो एक जन्मजात जो हीलर होता है ना, वो पिछले जन्म में इतना कुछ देख चुका होता है, इतना कुछ सह चुका होता है कि उसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी
रोना नहीं आता, उसे आंसू नहीं आता, वो इतना सख्त हो चुका होता है, इतना कठोर हो चुका होता है कि उसके अंदर सबके लिए करुणा है, पर वो रोता नहीं, वो एक शंख की तरह मजबूत हो चुका होता है। और ये मजबूती कैसे आई, ये बात किसी को नहीं पता, स्वयं आपको भी नहीं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, कभी भी नहीं, आप वर्तमान में बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्यों? आप हमेशा या तो अतीत के बारे में सोचेंगे या तो भविष्य के बारे में सोचेंगे और शानदार बातें क्रिएट कर रहे होंगे। जो चीज़ें हो रही हैं वो आप देख रहे हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसे एनालाइज कर रहे हैं, सब वर्तमान में ही हो रहा है, लेकिन आप वर्तमान समय में नहीं रहते, कहीं खोए रहते हैं आप, कुछ अजीब आपका होता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अभी आपको शिक्षा नहीं मिली है, अभी आप शिक्षित नहीं हुए हैं, अभी आपने अपनी ऊर्जा को धारण करना नहीं सीखा है। ऊर्जा अंदर से बह रही है लेकिन आपने धारण करना नहीं सीखा है, और इसलिए ही एक हीलर को एक योगी गुरु की आवश्यकता होती है। अपने गुरुओं के सानिध्य में रहकर, अपने गुरु के सामर्थ्य से आपके अंदर वो ऊर्जा अलाइन होती है। आपके गुरु चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो शरीर में हो या शरीर में ना हो, वो आपको हमेशा अलाइन कर रहे होते हैं, चाहे वो कितने भी दूर हो। आपने किसी को गुरु स्वीकार भी कर लिया, वहीं से आपकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। मैंने कहा था ना, नियम और शर्तें मैं आखिर में बताऊंगा। यही कारण है कि शिक्षा, ऊर्जा जरूर है लेकिन उस ऊर्जा को कैसे मोड़ना है ये हमने अभी तक नहीं सीखा है। इसलिए ही हमारे अंदर ये सारे क्यूस मचे होते हैं, ये कौतूहल मचे होते हैं। तो कुछ अच्छे हीलर, जो जन्मजात हीलर हैं, उनकी ये पहचान है। आप किसी को भी देखेंगे तो उन्हें बताना कि तू क्या है, तू क्या बनने वाला है, तू क्या बन सकता है। और अगर आप भी वो हैं तो बधाई हो, वेलकम टू माय ओशन माय फ्रेंड। खैर, ये बहुत जरूरी चर्चा थी जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं विस्मृत हो गया था। ये था नहीं कि किसी को इस तरीके से बताना होगा। जब अभी मैं उत्तराखंड नैनीताल कसार देवी मंदिर गया था, हाथ जो बेन एलन बेल्ट पर बसा हुआ है, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी और अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया था, तो वहाँ बैठकर ध्यान लगाते समय गुरुओं की वो सारी पुरानी बातें याद आने लगी, और वहीं लगा कि आते ही इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, आपको ये ज़रूरी बात बतानी चाहिए आपके बारे में। तो आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ पाया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए अरे नमस्ते है जी।